सोनिया गांधी ने प्रियंका वाड्रा, अहमद पटेल और केसी वेणुगोपाल की 3 सदस्यीय कमेटी बना दी, जो सचिन पायलट की शिकायतों का समाधान करेगी। और इस कमेटी के बनने के साथ ही गहलोत के निकम्मे और नाकारा सचिन पायलट की कांग्रेस में वापसी हो गई और पूरी कांग्रेस जश्न मनाने लगी है। इस नाटक का पटाक्षेप प्रियंका ने करवाया या राहुल ने, बहस इस बात पर शुरू हो गई है। लेकिन क्या 3 घंटे तक कांग्रेसियों में चले हाई प्रोफाइल ड्रामे से अशोक गहलोत सरकार का संकट खत्म हो गया और सब कुछ वैसा हो गया जैसा कभी कुछ हुआ ही नहीं हो? शायद ऐसा नहीं है। गहलोत और पायलट की तलवारें भले ही म्यान में लौट आई हों, लेकिन उसके निकलने का खतरा अभी भी है, अब तो पहले से ज्यादा, क्योंकि किसी भी सूरत में पायलट की सारी बातें मानी नहीं जाएंगी। और सूत्र बताते हैं कि गहलोत की जगह आखिरी चुनावी साल में सचिन पायलट को 1 साल के लिए सीएम बनाया जाएगा और कांग्रेस उनके चेहरे पर ही अगला विधानसभा का चुनाव भी लड़ेगी। ये समझौता राहुल, प्रियंका और पायलट के बीच हुआ, इसी वजह से पायलट से फिर से डिप्टी सीएम बनने और अध्यक्ष पद पर वापसी करने के राहुल गांधी के प्रस्ताव को ठुकरा दिया। समझौते के मुताबिक सीएम पद पर गहलोत के पास अभी 2 साल का वक्त है। इन 2 सालों तक अशोक गहलोत खामोश तो बैठेंगे नहीं, क्योंकि जो सीएम हॉर्स ट्रेडिंग को लेकर फर्जी फोन टैपिंग का इतना बड़ा ड्रामा कर सकता है, वो आगे आज्ञाकारी बालक की तरह दिल्ली के आदेशों पर कठपुतली की तरह गर्दन तो हिलाने से रहा। और जब गहलोत कुछ करेंगे तो उसका सीधा असर पायलट और उनके समर्थकों पर पड़ेगा, मतलब कि राजस्थान में कांग्रेस का असली संकट अब शुरू हुआ है। ऐसा संकट जो धीरे धीरे कांग्रेस की जड़ों को खोखला करेगा। और विधानसभा चुनाव आते आते कांग्रेस का पूरा किला मिट्टी के घरौंधे की तरह भड़भड़ाकर गिर जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज ऑफ इंडिया।